हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु शॉर्ट में। फेसबुक ने एक नया अपडेट लाने वाला है, अभी तक जो है अपडेट नहीं आया है। तो ये अपडेट जो है बहुत ही डेंजर अपडेट है और जो है फेसबुक परमानेंटली जो है क्रिएटर स्टूडियो को बैन कर देगा। और वहाँ पर मेटा बिजनेस स्वीट जो आप देखे होंगे कि अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो में मैं आपको मेटा बिजनेस स्वीट भी दिखा दूंगा। तो देखें फ्रेंड्स कि ये जो डेंजर अपडेट है क्रिएटर स्टूडियो को लेके। देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे विजिट कर जाता हूँ अपने क्रिएटर स्टूडियो में। यहाँ पे देखें, जैसे ही यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो ओपन होगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि क्रिएटर टूल्स आर मूविंग टू मेटा बिजनेस स्वीट। तो ये बहुत ही जल्दी जो है मेटा बिजनेस स्वीट पर जो है शिफ्ट कर जाएगा और हमेशा के लिए क्रिएटर स्टूडियो जो है रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्रिएटर स्टूडियो अब बैन होने वाला है, बस आज का अपडेट यही है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिया गया है कि यहाँ पे क्लियर करी गई है कि क्रिएटर स्टूडियो गोइंग अवे ऑन वेडनेसडे अप्रैल 12, यानी कि 12 अप्रैल तक जो है ये क्रिएटर स्टूडियो में आपको जो भी करना है कर ले, उसके बाद जो है ये क्रिएटर स्टूडियो परमानेंट रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर देखें, मैं लर्न मोर बटन पे भी क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो इनका अपडेट आया है, ये अपडेट यहाँ पर ये डाल दिया है। इन्होंने बताया कि व्हाट इज एक्सपेक्ट इन मेटा बिजनेस स्वीट। तो सिंपल एंड इजी टू यूज प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटर्स, यानी कि इन्होंने जो है मेटा ने फिर से जो है इसे इजी बनाने का कोशिश करी है। और यहाँ पे देखिए, कनेक्टेड अकाउंट एक्सपीरियंस। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को आपको स्किप करके नहीं जाना है, मैं आपको मेटा बिजनेस स्वीट भी यहाँ पे दिखा दूंगा कैसा दिखता है, तो वीडियो में बने रहे। यहाँ पे देखिए, मोर टूल्स, यहाँ के एड मैनेजर, कॉमर्स मैनेजर, बिजनेस सेटिंग एंड पेज सेटिंग ऑल अवेलेबल थ्रू मेटा बिजनेस स्वीट विथ दीज टूल्स। सभी टूल्स जो है आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ये सभी अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक को कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में इसे लगा दूंगा, चाहे तो आप इसे चेक करके या इन सबको पढ़ सकते हैं। अब चलिए कि यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि मेटा बिजनेस स्वीट जो होगा कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, मेटा बिजनेस स्वीट का नीचे में दिया हुआ है, पहले ये नहीं था, अब यहाँ पे परमानेंट लगा दिया गया। देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ट्राई मेटा बिजनेस स्वीट पे क्लिक करेंगे तो मेटा बिजनेस स्वीट यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर में जो आपको रेड कलर का नोटिफिकेशन दिख रहा था, यहाँ पे वो भी रिमूव हो जाएगा। देखिए कि अब यहाँ पे मेटा बिजनेस स्वीट ओपन हो गया है। अब आपको 12 अप्रैल के बाद यहीं पे सब कुछ करना होगा, यहीं पे काम करना होगा, यहीं से आप जो है मोनेटाइजेशन भी देख सकेंगे। अगर आप इनस्ट्रीम एड पर है तो यहीं से मोनेटाइजेशन देख सकेंगे, यहाँ से इनसाइट देख सकेंगे, यहाँ से कंटेंट को देख सकेंगे। देखिए, मैं मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है मोनेटाइजेशन। और यहाँ पे अगर LOC आएगा तो कैसा दिखेगा, यहाँ देखिए LOC कुछ इस तरीके का आपको दिख जाएगा। एलिजिबिलिटी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पॉलिसी इश्यू आया हुआ है इनस्ट्रीमेड में। क्राइटेरिया को व्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग टाइप का है, यहाँ पे सेम टू सेम है। 60 डेज में यहाँ पे 60,000 यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये ऑटोमेटिक होता रहता है। यहाँ पे 5,000 फॉलोवर्स भी दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे कम दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपका जो फॉलोवर्स होता है कि 10,000 होना चाहिए और 6,00,000 मिनट वॉच टाइम होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ कि मेटा बिजनेस स्वीट आपको कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। और पूरा एक्सप्लेन हम इसमें आपको थोड़ा थोड़ा कर देते हैं और मैं आपको कम्प्लीट यहाँ पर दिखाऊँगा। होम बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। देखें फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको देखें नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख जाएगा। और कंटेंट प्लानर, यानी कि प्लानर का क्या मतलब है, तक पहले ही आप चाहे तो यहाँ पे पहले ही पोस्ट कर देंगे और जो है ऑटोमेटिक आपके पर फेसबुक पेज पर होता रहेगा पोस्ट, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जो भी आप करना चाहें ऑटोमेटिक होता रहेगा। और इसके बाद नीचे में देखें कि यहाँ पर कंटेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर इनसाइट दिखेगा, इनबॉक्स दिखेगा, मोनेटाइजेशन दिखेगा और यहाँ पे एड्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। पहले जो है क्रिएटर स्टूडियो में जो है एड्स देखने को नहीं मिलता था, अभी मेटा बिजनेस स्वीट में आपको एड्स देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ऑल टूल्स का एक बटन दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ऑल टूल्स का बटन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरा यहाँ पर ऑप्शन इसका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि बिजनेस फीड है, कंटेंट है, गेम स्ट्रीमिंग है, इनबॉक्स है, इंस्पिरेशन हब है, प्लानर है, साउंड कलेक्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे अकाउंट क्वालिटी दिख जाएगा, बिलिंग, बिजनेस ऐप पेज, यह भी यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा जितने ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, एड लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर एक सेटिंग और है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कितने नज़र आ रहे होंगे कि बहुत कम देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे और आप सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एडिट बटन भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे अगर कर्सर को ले जाएंगे तो उसके बाद ही यहाँ पे एडिट बटन देखने को मिलेगा। देखिए अभी एडिट हाइड हो गया है, कर्सर को जैसे यहाँ पे ले जाता हूँ उसके बाद ही एडिट यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इतना यहाँ पे जो है साइड में ये सभी जितने हैं बगल में, यहाँ पे मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स कि ये यहाँ पे जितना भी यहाँ पे साइड में दिखाया गया है सभी जो है यहाँ पे लगा हुआ है, इस बगल में सभी लगा हुआ है, यहाँ पे सभी लगा हुआ है। और अगर आप और भी यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे बिजनेस फीड को सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है। गेम स्ट्रीमिंग को सेटअप करना चाहते हैं, इंस्पिरेशन हब को करना चाहते हैं, साउंड कलेक्शन को करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे जो है आपको देखने शुरू हो जाएंगे जब आप इसे इनेबल कर देंगे उसके बाद। तो आप चाहे तो इसे इनेबल भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 10 टूल्स को ही आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मैसेज भी दे रखा है कि 10 टूल्स से ज़्यादा आप इनेबल नहीं कर सकते। उसके बाद आपको रिमूव करना होगा किसी दूसरे टूल्स को लगाने के लिए, एक टूल्स को रिमूव करके दूसरे टूल्स आप लगा सकते हो। देखिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो सभी यहाँ पे शो हो गया है। अब यहाँ पे देखें गेमिंग स्ट्रीमिंग इंस्पिरेशन हब साउंड कलेक्शन व्यू पेज सब कुछ यहाँ पे दिख गया है। और अगर आपको एक ही साथ सब कुछ देखना है तो यहाँ पे ऑल टूल्स पे तो आपको क्लिक करके एक ही साथ सबको जो है यहाँ से देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं इनस्ट्रीम एड से रिलेटेड, यूट्यूब एड से रिलेटेड, कैसे अर्निंग करना है यूट्यूब से फेसबुक से, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स इस चैनल पर फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। ये इसका मार्केटिंग डिमांड अगर आप देखेंगे तो इस इनस्ट्रीम एड कोर्स का जो है 5,000 से 10,000 इस कोर्स का प्राइस है मार्केट में। अगर आप जाएंगे तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, जो भी आपको क्वेश्चन है हमारे कमेंट बॉक्स में पूछते रहना, मैं आपको क्वेश्चन का जो है जवाब इंस्टेंट जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।